हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक बैक पेपर 2022 अप्लाइड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसका पेपर परसों यानी कि 18 तारीख को है। तो आप भी जानना चाहती हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलायन वेग को परिभाषित कीजिए, इसके व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए तथा पृथ्वी सतह पर इसका मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं की परिभाषाएं लिखिए। फर्स्ट, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, अभिकेंद्र त्वरण, एक्सीलरेशन, बल आघूर्ण, इन सबकी डेफिनेशंस लिखनी है। ये 5 नंबर की आएंगी, एक एक नंबर की 5 आएंगी, 5 नंबर की पूरी हो गई। थर्ड क्वेश्चन है आपका, घर्षण बल, घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये भी आपके सारे 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न सूत्रों की उत्पत्ति कीजिए। फर्स्ट, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसका फॉर्मूला डिफाइन करना है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्षों की प्रमेय, ये आपके 5 नंबर में आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अभिकेंद्र त्वरण को परिभाषित कीजिए, ये भी 5 नंबर का आएगा। वे आपकी कुछ डेफिनेशंस आएंगी, जैसे रेनॉल्ड्स संख्या, पृष्ठ तनाव, स्पर्श कोण, बर्नौली प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। एक नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का आएगा। सिक्स क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम और शून्यांकी नियम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ इसमें लिखने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के सारे क्वेश्चन। फिर है आपका, कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है। फिर है आपका, ऊष्मा इंजन से आप क्या समझते हैं, कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्नोट चक्र आ सकता है और ये ऊष्मा इंजन से आप क्या समझते हैं। फिर है आपका, प्रत्यास्था को परिभाषित कीजिए, हुक के नियम को लिखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सब 5 नंबर के हैं, आप इन्हें ज़रूर याद करके जाइएगा, इसमें से ज़रूर कुछ ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।